गाइस वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म नेपालबाट बनाउँछु किनकि मलाई यहाँ रिक्वेस्ट गरेको छ नेपाली कुरा भन् नेपालबाट बनाउनु ब्लग भनेर। आजको ब्लग चाहिँ म एकदम नर्मल तरिकाले बनाउँछु, म कहीँ गएको पनि छैन, त्यही कारणले आज मैले हल्का से लिपस्टिक हल्का से काजल लगाउनु भएको छ ताकि हजुरहरूलाई राम्रो देखोस् भनेर। अनि मेरो ब्लग चाहिँ म नर्मल बनाउँछु। ऊ हेर न, आज बहुत फुर्ती लागेको छ कि मेरो ननदलाई चाहिँ। घाम घाम बिना आज कस्तो राम्रो हावा, हेर न हावा कस्तो राम्रो। हामी चाहिँ यहाँ किन ब्लक बनाएको छैन भनेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ के हुन्छ कि पानी पर्छ घरिको यत्रो ठुलो घरिको, हाम्रो फोनमा नेटवर्कै हुन्न, अरुणाचलको सिममा नेटवर्क हुन्न रहेछ त। अनि हामीले चाहिँ ब्लक बनाउनु पाएकै छैन। अब मेरो नन्दले बदमास गर्दै होला पछाडि पर, यो चाहिँ बहुत उत्पत्ति छ, नानी जस्तो छ, बदमास गरिरहेको छ। हामीले चाहिँ ब्लगै बनाउनु छोडिदिएको कि अलिक दिनको लागि, कहिले नेटवर्क आउँछ कहिले आउँदैन, फेरि ब्लग बनाउनुको बादमा के हुन्छ कि अपलोड गर्दाखेरि हुँदै हुँदैन, मतलब एमबी हुन्न कि। अनि हामीले छोडिदिएको ब्लग बनाउनै हुन्थ्यो, हामी अब उता अरुणाचल गएपछि बनाउँछु, नाहरलागुन गएपछि सोचेर हामीले ब्लग बनाएको थिएन। आज चाहिँ सोच्यो फेरि मेरो नेटवर्क बहुत राम्रो रहेछ, त मैले सोच्यो आज चाहिँ म त्यसै नर्मल ब्लग बनाउँछु सोच्थेँ। अनि मलाई खासी पनि भएको भएको अस्तिदेखिको, के गर्नु अब त्यस्तै। अब मेरो छोरी पनि हेर न त्यहाँ कस्तो आज राम्रो लाग्दै होला, उसलाई पनि पुरा बाहिर घुम्नु पाइरहेछ। अनि मेरो नन्द त अब जान्छ अरे घुम्नु, अब कहाँ जान्छ होला कुनै यो पग्ली त्यसै गर्छ। आमा चाहिँ कुनै कहाँ जानु भएको थियो होला भर्खर, आमा कहाँ जानुभएको थियो? आज चाहिँ हाम्रो आमा दर्शन भएछ मेरो ब्लगमा, कुनै नै त कहिले हुन्न। मम्मी त हाई त भनिदिनु न, हाई हेलो। आज चाहिँ हाम्रो आमा कुनै कहाँबाट दर्शन भएछ, त्यो त हाम्रो आमा कहिले मेरो ब्लगमा हुन्न के, जहिले म ब्लग बनाउँछु आमै हुन्न। अनि मेरो नन्द, मेरो नन्दलाई कुनै के भयो? अनि मेरो नन्दको बजबाट मलाई खासै हुँदैछ। अनि यो चाहिँ मेरो आमाको गोठालो है, यो कुकुर चाहिँ मेरो आमाको गोठालो, यो चाहिँ यसको नाम हो गाइस बोना बना बना बना। देखियो आज मेरो नन्द चाहिँ बहुत फुर्ती लागिरहेछ, कुनै किन फुर्ती लागिरहेछ उसलाई चाहिँ, किनकि म अझै घुम्नु जाँदैछु गाइस। यो त घुम्नु जाने त होइन चाहिँ, म अरे मेरो के भन्छ उसले नेपालीबाट के भन्थ्यो, देवरानी र म चाहिँ जान्छु कि घुम्नु ल अब। अनि मसँग हेरिराखौँ उचेला चाहिँ मेरो चलाउ बुको, आज यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ कि यो, यसलाई मलाई बहुत आज च्यालेन्ज गर्दैछ कि म हेर्छु यसले सिलिन्डर कसरी बुक्दैछ। खोइ हेरौँ हेरौँ, न्यु खोज्दै भएको छ बुक्ने भित्र त बुक्ने रहेछ बुक न, छिटो त्यो चार र पाँचवटा हजुर फेरि भन्नुहोस् के भन्नुभएको थियो अहिले? डोन्ट टच माई ब्लग। वाउ के अरे हल्क 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 जाँदैछ उता। मेरो क्यामेरा किन खराब गर्दैछ मेरो ब्लगलाई चाहिँ गाइस? ए रुन्ची बुरी आफू त सानोमा रुन्थेन होला नि, आफू त जन्मेको होला नि, हेर तेरो नाकमा के छ। अनि मैले चाहिँ छोरीलाई भयो मजा लाग्यो, अनि म चाहिँ अब बाहिर जान्छु के गर्दैछ हेर्छु, अनि म चाहिँ अब वक गर्नु जान्छु। अब मम्मीले चाहिँ नानी हेरेर बस्छ नातिनीलाई, अनि म चाहिँ जान्दैछु वक गर्नु। अब मम्मीले चाहिँ नानी हेर्नुहोस्, म चाहिँ अब जान्छु। अब हामी चाहिँ गएको मम्मी र छोरीलाई छोडेर, यसलाई लानु सक्दैन बहुत दूर जाएगा, यहाँ जाके वापस आ जाएगा, एक अङ्कल का घर भी जाएगा, फुल लेके आएगा। कैसे था वो अङ्कल का बाजे का हाँ कैसे था? गाइस देखो कितना खूबसूरत हवा आ रहा है, कितना अच्छा मौसम है आज तो, रोज ऐसा ही रहना चाहिए। याद खेली याद दे
ओए गिरनी मत दो रे, हम लोग आ जाएगा। तो गाइस बेटा को भी यहाँ छोड़ दिया, अभी हम दोनों जो है मजा से जाएंगे। दोनों जो आज घूम रहे बहुत, ये देवरानी हो मैं जेठानी हूँ, आज तो बहुत इंजॉय करेंगे हम दोनों। सुबह से बहुत मजे ले रहे, देखो मौसम भी ऐसे ही मजा है। और हमारे गांव की मछली दुकान, ये जो हमारे दुकान आसम को माछा दुकान हो, यही हो, अरु छैन यहाँ कहीं भी नहीं, कहीं छैन, टाड़ो टाड़ो हेन के छैन यहाँ से, के पाउँदैन, बहुत दूर जानु पर्छ। गवर्नमेंट ने हम लोग का बस्ती में हर किसी को घर दिया हुआ है, ऐसा छोटा छोटा घर ये सब दिया है, तो खुद बनाता है, ऐसा घर बन रहा है, हर किसी का घर बन रहा है, देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है, हर किसी का पास में भी घर दिखेगा आपको अच्छा वाला। पहले का घर सब तोड़ दिया है और हम लोग छोटा जा रहे हैं, गली होके जल्दी पहुँचेगा, आते वक्त हम लोग घूम के आएगा, शायद अंधेरा हो जाएगा, मेन रोड से आएगा। और हम लोग जा रहे हैं बस्ती का कच्चा रोड से जा रहा है शॉर्टकट, ताकि जल्दी पहुँचने के लिए। कितना देर के बाद अभी एक बाइक दिखाई दे रही है, भगवान ये तो क्वार्टर है ना, यहाँ में असम में जो कैसा है सिस्टम आपको हम बताते हैं। जिसका पास गवर्नमेंट जॉब है उन लोगों को घर नहीं मिलेगा, जिसका जो गरीब है उन लोगों को ही मिलेगा घर। हर किसी को देता है, मतलब हर किसी को, मतलब जिसका पास में गवर्नमेंट जॉब नहीं है उन लोगों के लिए सरकार ने घर दे रहा है, हर किसी को उसका अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो घर बन जाने के बाद में टीना वीना लगाने के बाद में फ़ोटो खींच के बेचना पड़ता है, तो इतना अच्छा है ना, काश मुझे भी मिल जाता है। कथल बिना मेडिसिन गाड़ी मिला, पता नहीं यहाँ में क्या हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। तो अभी एक दुकान मिला बहुत देर का बाद में, वही खूबसूरत है, पूरा प्लेन है, पूरा गाय लोग दाना खा रहे हैं। ये बोगरी का पेड़ है, थोड़ा दिन के बाद देखना है, बहुत धान का खेती लोग पूरा बहुत सुंदर दिखता है देखने है, देखने के लिए। आज हम अरुणाचल हिंदी इसलिए बोल रहे हैं कि हमको सभी लोग बोल रहे हैं कि अरुणाचल हिंदी बोलो, अरुणाचल हिंदी बोलो, सब आसाम का हिंदी बोल रहे ऐसा लगता है, ऐसा बोला इसलिए हम जो अरुणाचल हिंदी बोल रहे हैं। खूबसूरत लग रहा है अभी शाम का वक्त, आज हम आप लोगों को आसाम का टूर कराते हैं, आसाम दिखाते हैं कैसा खूबसूरत लग रहा है, देखिए देख सकते हो आप लोग, देख सकते हो आप लोग, ऐसे जो शाम का समय सुंदर दिखता है ना, दिन में तो बहुत धूली होता है, इसलिए हम घर से भी देखते। और घूमेगा क्या ना, इतना बारिश हो रहा था कैसे घूमेगा, बापरे बापरे गाइस, यहाँ में तो धूप तो क्या, लोग भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हम लोग भी घर से नहीं निकल रहा था, तो आज तो धूप निकल गया दोपहर से, इसलिए हम लोग भी थोड़ा घूमने के लिए निकल गया। तो घूमते घूमते ब्लॉग भी बना लेगा सोच के, नेटवर्क भी नहीं पकड़ते मेरा फ़ोन में अच्छा से, तो ब्लॉग भी नहीं बना रहा था, तो आज अच्छा नेटवर्क आया है, तो घूमते घूमते थोड़ा बना लेते हैं। गाइस देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, वाओ पुराना मूवी का पेड़ जैसा लग रहा है, वाओ जो है अभी मेन रोड पहुँचने वाला है, देख सकते हो आप लोग, बहुत पहुँच गया मेन रोड, देख सकते हो आप लोग टी गार्डन, बहुत गार्डन देखिए कितना बड़ा है, मेन रोड पहुँच गया। हाँ मज़ा लगा चल के मज़ा लगा, उनको मज़ा ही लगेगा क्योंकि वो तो बहुत जिम वगैरह करता है। वहाँ देखिए कितना बड़ा टी गार्डन है, इसका मालिक हम होता तो वो तो कति धनी होते हो, मेरा चिंता थे ना जल्दी में पैसा मंगाए ना गाइस, ये लो करके दे देता मैं, ये अभी के लिए सोच लीजिए आप लोग, इसका मालिक मैं हूँ, ये टी गार्डन का मालिक मैं हूँ, सोच लीजिए अभी के लिए। हाँ मैं इंटरेस्ट में दूंगी सबको पैसे, हाँ ये गार्डन सब मेरा है, इसका मालिक मैं हूँ। और ये बच्चे लोग जो है बहुत खुशी से आ रहे हैं, हाय बोलो
बकरे बकरे कति चम्केको ये मामा की घर पहुँच गया, मामा का दुकान भी मिल गया। मामा नमस्कार मामा जी, हम भी अभी पहुंचा है। कितना हैंडसम लग रहा है हम लोग का मामा जी। मिल गया था माई जी, खोई मामा ओ फूल लेने आको मामा। हमी माई जी दिन छुपा यही यहाँ से जाएगा। देखिए घर मामा जी, मामा का घर है। वाह कबूतर, वाह कबूतर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। कबूतर भी अच्छा लग रहा है। यहाँ में आके कम से कम वॉक तो कर रहे हैं, बहुत मोटी हो गया है गाइस। हम भी थोड़ा डाइटिंग कर रहे हैं, ओस वगैरह खा रहे हैं तो थोड़ा कैसा होता देखिएगा। वाह देखिए फूल, फूल देखिए। मामी जी नमस्ते। मामी जी नमस्ते, क्या हमने बोला था ना हमारे मामी जी बहुत डेंजर छ अरे अहिले हाम्रो माइजीले पिट दिन्छ नि। क्या क्या समस्त है, क्या सोच के रखा है भन न। क्या सोच के रखा है, फिल्टर नि माइजू। हां फिल्टर। दूर से हम जो ये 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 है देखिए, वाओ ये फ्लावर लेने के लिए आया था। ये कौन फ्लावर, ये वाला फ्लावर माइजू। इतना दूर से आए हम और माइजू माइजू ने बोला था कि ये साल वो साल ये साल वो साल बोल बोल के इतना दूर से आया। वाह गाइस देखिए ये क्या का है, कोल का है, कोल का फ्लावर है। फूल का नाम तो मालूम नहीं है। ये माइजू हमारा माइजू बहुत डेंजर है रे। माइजू देखो आप लोग माइजू कितना डेंजर है। माइजू की मतलब है मामी, हमारी मामी जो है देखिए बॉडी बना के रखा है। बॉडी गायले गायले खाई दे रहे नहीं उतरे से ना तो फुल फुर भर रहे थे। और लिंबू माइजू छिड़ दिनू ना, क्या छिड़ दे फुल छिड़ दिनू ना। रात ही बैसी क्यों छोरी राखे रखो छो घर में आमला। हम लोग कितनी दूर से फूल लेने के लिए आए और घर में क्या है, अभी घर में बैठे क्या? दुई हफ्ता हो चुके, दुई हफ्ता ले लिया। अब पीती हूँ चाय पीने के लिए जाएगा माइजू के हाथों से कि हमारी मामी जो है बहुत खिचड़ी है। मामा और हमारे यहाँ का मामा जो है आर्मी है, रिटायर हो गया है। पहले आर्मी था अभी रिटायर हो गए हैं। और हमारे नेपालीको घर चाहिँ यस्तो झिलिक मिली हुन्छ के, यस्तो मन पराउँछ। ए ना बच्चा त नि के बच्चाको खेलना नखे हैं। जल्दी जल्दी चाय पी लेती हूँ, बेटी रो रहा बोलते फोन भी पी लिया। अब फूल भी लेके जा रही हूँ। माइजू बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट माइजू। ये घर का मंदिर है और बहन पूजा कर रहे, बहन पूजा कर रहा है। माई दूरी तो कड़े दिन चूल जाकर डाल दिया था। और मुझे भी देखिए मैं तो पेस लेके जा रही हूँ। ओरिजिनल सेंटर फ्रेश, सेंटर फ्रेश सेंटर कितने होते हैं? 10 का एक का। और मैं तो खाऊंगी सेंटर फ्रेश। हां नकली सेंटर फ्रेश मजा भी नहीं, नकली नहीं वो भी असली है। पायो फूल भी नहीं फ्री में पायो, ये चीज फ्री को है। ये चीज किने लोगे ओ सॉरी मामा, ये तो किमला न हुन्न अब दुकान को सामान हो। अब फ्री में तो अब मामा ले न पाउदैन नि त आन्टी कारणले अब किन्नु पर्यो नि त। सेंटर फ्रेश 10 रुपैयाँको त्यो पनि चल्छ मामा। अनि हाम्रो मामाको दुकानमा आउने चिङ्गम फ्रीमा दिन्छ मामाले, 10 रुपैयाँको दिनु नि आज है 10 रुपैयाँ। सबै चीज पाउँछ। हजुरहरू आउनुहोस् होला, दोलहाटको 12 नम्बरमा छ, 13 नम्बर, 13 नम्बरमा 2 4 3 फुलबारी 13 नम्बर 9 10 कति राम्रो एड्रेस बतायो। गुड नाइट, बाय बाय गाइस भन्दिनु न, गुड नाइट, बाय बाय गाइस भन्दिनु न, बाय बाय गाइस लो ची खन्ना, बाय बाय माइजू, बाय बाय। इससे बाइक चलते हैं, यहाँ में ऐसे ही है। तो आज तो सच में भी बहुत घूमा हम दोनों, सुबह से घूम रहे।
अगर मेरा जेठानी नहीं आता तो घूमी, अरे सॉरी सॉरी, मेरी जेठानी वो देवरानी है, अरे वो देवरानी नहीं आता तो घूमने नहीं मिलना था। और हम दोनों जो लंच खाने के लिए भी गया तब ब्लॉग बनाने का सोचा था मगर नहीं बना सका क्योंकि मेरा नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो। ये जो है गाय, अभी रात हो गया है, घर लेके जा रहे हैं। गाय का छुट्टी हो गया। कितना सुंदर लग रहा है शाम का वक्त, रोज़ ऐसा घूमने मिलने से तो अच्छा है, एक्सरसाइज होगा, मगर ऐसे रात को रोज़ तो कैसे घूमेगा, शाम को तो टाइम नहीं मिलता है। अभी दौड़ना पड़ेगा गाइस, वो हमको देखिए कितना रात हो गया, हम दोनों अभी तक रास्ते पे, आज तो हम भी जरा घर में निकल रहा। शॉपिंग मॉल पुग्यो हमारे बस्ती को, हम लोग का शॉपिंग मॉल यही तो है, हम लोग का गला माल दुकान यही तो है। हम लोग का दुकान पहुँच गया है, यही एक दुकान है बोला था ना मैं, हमने आपको वही पहुँच गया। अभी घर भी देख रहे हैं, अभी घर का लाइट दिख रहा है, इसका मतलब घर पहुँच रहा है। फाइनली घर पहुँच गया। बेचारा मेरा बेटा बोल रहा है गाइस भूख लग रहा है। और मंदिर का लाइट भी इतना खूबसूरत लग रहा है। बेटा हाय हाय तो बोल दो गाइस, हाय गाइस बोल दो। मंदिर का लाइट भी इतना खूबसूरत लग रहा है गाइस। तो फाइनली घर पहुंच गया, बेटी क्या कर रहा है देखिएगा, बहुत थक गया। हम घर पे पहुंच गए तो आज की ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बना सकें। बाय बाय।